आवड़े मतीरा तो आ वजो पर रुक मत तुसा किलो ना तो बता आप ज्यादा दे तरी चलो जी। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना वो जगह थी वो जहां पर रक्षा आपको नजर आ रहा रक्षा ये खड़े हैं जी वो वाली जगह माशाल्लाह। इनका नाम है हाफिज मोहम्मद जफर अब्बास अदनान भाई दिल करना पे कि शेर सुनावा वो शेर है के ना मेरे यार हैं ना मेरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स क्या हाल है तबीयत से ठीक है आपकी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू कैसे हैं आप आपके यहाँ मौसम कैसा है इधर भावलपुर में तो जो है मौसम जो है बारिश वाला बना हुआ है देख सकते हैं आप ऊपर बादल बने हुए हैं माशाल्लाह से। लेकिन आपने अपने जो है इलाके का बताना है कि आपके यहाँ आपकी शहर में आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ देखें जी ये भावलपुर है ये सामने सिलानी वालों का लंगर खाना है देख सकते हैं जी आपका अपना सिटी भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स देख सकते हैं हमारे यहाँ तो बारिश आ रही है तो आपके यहाँ बारिश है या नहीं वो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और जिन जिन भाइयों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। और आप ठीक हैं खैरियत से हैं इंजॉय कर रहे हैं मौसम माशाल्लाह। व्यूअर्स वो देखें जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना वो जगह थी वो जहाँ पर रक्षा आपको नज़र आ रहा रक्षा वो वाली जगह थी। अब जो है मैं ऊपर आया खड़ा हूँ दूसरी मंजिल पे आप देख सकते हैं वो सामने वाली जगह थी ये गाड़ी उस टाइम लग रही थी। कैसा मौसम है आपके यहाँ ये देख सकते हैं हमारे यहाँ तो बारिश है आ रही है तो अभी थोड़ी थोड़ी लेकिन है आ रही है देख सकते हैं आप। आपके यहाँ मौसम कैसा है तो लाजमी यार बताया करें भी हमारे यहाँ तो मौसम बारिश वाला बना हुआ है फिलहाल। हवा भी प्यारी प्यारी चल रही है सामने देखें झंडे के साथ ही एक परिंदा बैठा हुआ माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स अब टाइम हो रहा है 6:41 तो इंशाल्लाह अज़ीज़ा यूनिवर्सिटी भी जाना है तो उधर की रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स आज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है एमफिल की क्लास होती है हमारी 2 दिन। कल तो आपको पता है कि यकम मई थी और मज़दूर डे था लेबर डे उसकी छुट्टी थी तो पेपर करीब हैं 11 तारीख को पेपर हैं दुआ कीजिएगा आपके भाई के फाइनल के पेपर हैं अल्लाह कामयाबी दे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका से अल्लाह हर बच्चे को कामयाबी दे जो पढ़ रहे हैं जो है मेहनत करते हैं शब रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अच्छी सी जी भी दे लपाक उनकी मेहनत का जो है फल अता करें उनको। और इसके अलावा जो है आज मैं गया तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा थोड़ी जितना हो सका इंशाल्लाह अज़ीज़। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें तो बेल आइकन को भी दबा दें और जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं लाजमी कमेंट कीजिएगा और मौसम के हवाले से मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।
तो अभी मेरी जाना है मदरसा बच्चों को पढ़ाने। थोड़ी सी बारिश जो है मैं कहता हूँ थम जाए तो फिर बंदर जाए ना। व्यूअर्स एक चीज़ सामने मुझे नज़र आ रही है, उधर सामने अगर मैं चाहता हूँ कि आपको भी दिखा दूँ, वो नज़ारा इतनी खूबसूरत है कि जिसको देखने के लिए हर कोई तरसता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसा नज़ारा है जिसको देखने के लिए हर कोई तरसता है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। गिनती करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 अब देखना ज़रा, तवज्जो से देखना। अल्लाह हमें इधर भी ले जाए, गुंबदे खजरा का दीदार अल्लाह सबको नसीब करे। अभी आपको नज़र आ जाएगा, ज़रा देखें। इधर भी एक नक्शा बना हुआ है, सामने आपको अभी दिखाता हूँ। चलो मैं तरसा तरसा के दिखाऊँगा ना। 1 2 3 गो। अब देखें ज़रा सामने, वो सामने देखें। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी दीवे वाली मस्जिद मशहूर है बहावलपुर में, कारी नादर साहब हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी प्यारी आवाज़ है। तो ये उनकी मस्जिद है, उधर वो इमाम ख़तीब हैं, उनके भाई भी होते हैं और वो भी। देखें जी कैसे गुंबद खदरा का नक्शा बना हुआ माशाल्लाह से। अल्लाह हमें रोज़ रसूल की और मक्कतुल मुकरमा की बार बार बादा भाजर नसीब फरमाए। वेलकम बैक व्यूअर, टाइम हो रहा है 9:30 का, तो हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे। कल भी आपको पिछले व्लॉग में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है बताया गया था कि भई हम वर्कशॉप ले रहे हैं उलमाए कराम जो मदारस में पढ़ाते हैं ना, भई उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सबक उनको दोहराना है, कैसे याद करवाना है, ये सारा कुछ तरीका बताते हैं बड़े बड़े तजर्बाकार असातिज़ा जो आते हैं ना, बड़े बड़े उलमाए कराम इदारा मिसबाहुल कुरान में। तो उसी हवाले से आज भी हम जा रहे हैं उधर, और आज क्योंकि यूनिवर्सिटी की क्लास भी है, कल तो जो है मज़दूर डे था जिसकी छुट्टी थी, तो आज जा रहा हूँ। अभी मदरसा में बच्चों को पढ़ाया है, तो जो है उस्ताद मोहतरम के हुक्म पर फिर जा रहे हैं वो वर्कशॉप लेने। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ उसके सीन आपको जो है दिखाए जाएंगे इस वीडियो में, और आज यूनिवर्सिटी भी जाना है उसके भी थोड़े बहुत जो है जितना हो सका दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दें, बहुत शुक्रिया। और मेरे क्लास फेलो मेरे साथ जा रहे हैं, उनका मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये नीचे खड़े हैं, देख सकते हैं आप, ज़फ़र अब्बास साहब, हाथ खड़ा करें हाथ। ये खड़े हैं जी माशाल्लाह, इनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र अब्बास मुस्तफ़ी साहब। ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर बैग लेके ना यूनिवर्सिटी की किताबें लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ओके चलते हैं, टेंशन ना लें। अच्छा व्यूअर, बैग घिनगी से यूनिवर्सिटी जाने में किताबें तो यूनिवर्सिटी क्योंकि क्लास गिनी आज का हूँ हवाले नाल किताबें भी हैं, तो मैं खिंचा गिन वाल एक वाली तो पर निकते हुए इंशाल्लाह हैं, दुआ करे सो सारे। अल्लाह साहब खड़े हो इंतज़ार, चलें। अभी व्यूअर हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे, दुआ करें वो भी ले लें और यूनिवर्सिटी की क्लास भी हो जाए हमारी आज। ये है जी लंगर खाना, जिसको भूख लगे वो आ जाए करे बहावलपुर, फ्री में खाना है, फ्री में। ज़फ़र साहब आपको भूख लगे ना, लंगर खाना इधर फ्री है, आ जाएगा। ये सामने सिलानी लंगर खाना, ये स्पीडो का स्टेशन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी नाज़रीन, हम बैठ गए हैं अपनी मोटरसाइकिल पर और ड्राइव कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास मुस्तफ़ी साहब, हम जा रहे हैं वर्कशॉप लेने के लिए।
बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामी फिक्र के दाई मोहतरम प्रोफेसर फौज मोहम्मद सईद साहब उनसे गुजारिश है कि इस्लाम और अपने सब्जेक्ट के वाले ये जी है इदारा मिसबाहुल कुरान, इसमें हमारी वो वर्कशॉप चल रही है। तो अभी एक सेशन ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद मैं तो यूनिवर्सिटी लेक्चर ले जाऊंगा, दूसरा सेक्शन होगा उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। उधर एमफिल की क्योंकि क्लास है तो फिर उधर लाजमी है जाना। ये देखें जी लेक्चर ख़त्म हो गया है, अब दूसरे प्रोफेसर साहब तशरीफ लाएंगे, वो लेक्चर देंगे, आने वाले हैं तकरीबन। हमने यूनिवर्सिटी जाना है बस थोड़ी देर के लिए, उनकी दो बातें सुन के निकलना है इधर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई आज के लेक्चर आपको कैसा लगा? माशाल्लाह, ये देख सकते हैं वो प्रोफेसर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ बहावलपुर के प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े काबिल, ज़हीन और इल्म दोस्त हैं। माशाल्लाह